हाँ मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। अगर बात सच है तो हाथ उठा के दोबारा सवाल लगाए। हाँ मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मैं बड़ी देर तो देख रहा एक बंदा सुभान नहीं कह रहा, ये मैं महफिल तो बाद पूछूंगा अभी तू क्यों नहीं कह रहा सी। और हाँ वो नहीं कह रहा, मैं कहता नहीं कुछ, उन्होंने कुछ नहीं कहता, वो नहीं कह रहा, उन्हें एक मसला उन्होंने है। और जो बंदा अली के नाते सुभान ना कहे फिर वेला बांडा ही हो सकता है, उन्होंने जिदा मर्जी खड़का लो। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली, मैं तीसरी बार लाइन दोहरा रहा हूं, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। पहला शेर इसका, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, कुल्ले ईमा का ईमा से मिजाज मिलता है। ये जो दरमियान में मेरा ये दोस्त मोबाइल लेके बैठे ना, ये हाफ है इसका, आधे आशिक इधर बैठे हैं, आधे आशिक इधर बैठे हैं। एक शेर इनको सुनाता हूँ, ये नया कलाम है तो फिर नए तरीके सुनना चाहिए। एक इनका शेर है, एक इनका शेर है, आज हुस्ने मुकाबला हुस्ने सुभान अल्लाह करवाते हैं। ये जरा जरा इंतजार कीजिए, पहले इनको सुना लो एक शेर। हाँ जो करबला में थी गूंजी उसी अजान की कसम, जो करबला में थी गूंजी उसी अजान की कसम। मेरे अली का अजान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। इन्होंने कैसा कहा सुभान अल्लाह, मुबारक हो, आपकी बारी है। आपके हिस्से में जो शेर आया आप भी आ सकते हैं पीछे पीछे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है। हाँ इस शेर पे अभी मैंने देखना है कि कौन कहाँ तक पहुंचे। इन्होंने कैसे कहा, ठीक कहा, अगले मिसरे पे आपने सोचना है कि सुभान अल्लाह किस जौक से कहनी है। हाँ छः महीने का लेकिन रबाब से पूछो, है छः महीने का लेकिन रबाब से पूछो कि अपने भाई जवां से मिजाज मिल। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। आपका मिजाज अगर इस नात से मिलता है तो सुभान अल्लाह कह रहा। सुनिए अब, ना इनका है ना इनका है, अब मुश्तरका शेर है, आखिरी पढ़ रहा हूँ इस नात का, और मैं भी सुभान अल्लाह कहूंगा, किबला से गुजारिश करूंगा कि वो मेहरबानी करेंगे, दुआ मेरे लिए करेंगे। अली का कुरान से मिजाज मिलता है, अजान से मिजाज मिलता है, और
اکبر جوان بھائی جوان سے مزاج مل، یہ کافیہ چل رہا ہے. یہ میں بھی سوال لگاؤں گا، بہر والے بھی کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہنا پڑ جائے گا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی، میرے علی کا خود. جیسے دوبارہ پڑھ رہے ہیں احمد صاحب، کہہ رہے ہیں شیر دوبارہ پڑھیے. یا علی، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. یہ شعر میں نے پڑھا، میں دعا کرتا ہوں اس شعر کے توسل سے ماں سے مزاج ملتا ہے. اللہ احمد بھائی کی ماں کو اور ان کے بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مقطع سنیے اور میں آپ کی داد اور ہلکی سی نیم تبسم کی نظر کرتا ہوں. کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے حضور نے اپنی چادر کو پھیلایا، فرمایا زہرا اس کمبل کے نیچے آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ. جب یہ چار اندر آ گئے چادر کے نیچے، اسی کی میں مضمون میں ایک شعر کہہ رہا ہوں. کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، سبھی کا جان جہاں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے.